brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल Life is so sleek in my kitchen. Have a life, enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology le bansa solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन सदा की तरह आज एक और नयो एपिसोड आपनो नेपाल आपनो गौरव को लेकर के मैं उपस्थित हो चुके हूँ। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियाँ से। आपकी पंक्तियाँ बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसते को रुला जाती है जिंदगी, जी सको जितना जी लो दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह जाता है और खत्म हो जाती है जिंदगी। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो apnonepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजियो। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जाए। आपनो मारवाड़ी समाज सामाजिक सेवा कार्य में हमेशा आगे रहतो आयो है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य में या फिर शिक्षा में। हाल ही में काठमांडू में रेणिया झापा का मारवाड़ी समुदाय के द्वारा झापा का विभिन्न 14 विद्यालय में अध्ययनरत 46 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्रदान करी गई। झापा मारवाड़ी समाज की शिक्षा समिति के पहल में असहाय मेहनती विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति दी गई। झापा के पृथ्वीनगर, महेशपुर, भद्रपुर, अनारमणि, धूलाबाड़ी और दमक की विद्यालय का 23 छात्र और 23 छात्रा ने दी गई छात्रवृत्ति में करीब आधा मारवाड़ी विद्यार्थी और आधा अन्य समाज का विद्यार्थी है। अब आज का अतिथि से बातचीत। आप लोग ओशो रजनीश के बारे में तो सुनेड़ा ही हो, अब वे सशरीर आपन सबके बीच में कुनी, लेकिन उन्हा की जो पद्धतियां है वह आज भी विश्व प्रसिद्ध पद्धतियां में से एक मानी जावे है। और आज का अपना जो अतिथि है ओशो रजनीश का सहोदर भाई ओशो शैलेंद्र, इन्हें आप टेलीविजन विभिन्न टेलीविजन चैनल में देखता आया हो, और ये भी उन्हा की ही बड़ा भाई की प्रतिपादित जो सिद्धांत है उन्हा में उनके लिए ही प्रचारक के रूप में लागोड़ा है, और ये समय समय में नेपाल आता रहे है। हाल ही में ये नेपाल में आया था ओशो वाटिका के आमंत्रण में, और आपने टेलीविजन में ये कार्यक्रम के लिए समय दिया। आओ इना को स्वागत करा और इना से विभिन्न ओशो से संबंधित बातें ने जानने को प्रयास करेंगे। गुरुदेव आपका कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार अग्रवाल जी, और सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार। गुरुदेव, ऐसा बहुत कम होता है कि माता पिता अपने बच्चे के बच्चे को गुरु मान लें और उनके अनुयायी हो जाएं। ओशो के साथ ऐसा घटित हुआ, और आप उनके भाई हैं, आपने उनमें ऐसा क्या देखा जो आप भी उसी पथ पर चल पड़े? ये मत पूछिए कि ओशो में क्या देखा, ये पूछिए कि ओशो में क्या नहीं देखा। उसमें मेरा जवाब बड़ा शॉर्ट होगा, नथिंग। ओशो में जो भी एक व्यक्ति में संभव हो सकता है पूरी खिलावट उसकी चेतना की, वह हमने देखा। और निश्चित रूप से माता पिता और हम, हमारे सभी भाई बहन और हमारे सभी रिश्तेदार, चाचा चाची, बुआ नानी इत्यादि भी सभी उनके शिष्य बने। यह एक विचित्र घटना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। होना तो यही चाहिए कि बुद्ध के माता पिता, कि महावीर के माता पिता, कि कृष्ण के माता पिता, कि राम के माता पिता उनके शिष्य बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आश्चर्य मुझे उन पर होता है, ओशो के साथ मुझे आश्चर्य नहीं होता। वो तो इतने अद्भुत व्यक्ति हैं कि उनको देख के तो कोई भी झुक ही जाएगा, शिष्य बन ही जाएगा। अच्छा गुरुदेव, हमने ये जो मानव जीवन पाया है इसका असल लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानव के रूप में हम केवल एक बीज की भांति हैं, जस्ट लाइक ए सीड। बीज अंकुरित हो, पुष्पित पल्लवित हो, विराट वृक्ष बने, तो ही उसका लक्ष्य पूरा होता है। हम मनुष्य के रूप में परमात्मा के बीज हैं, वी आर सीड्स ऑफ गॉड। हम में से परमात्मा प्रकट होने को है, और हमारी सारी साधना बस यही है
कि वह वृक्ष बन सके बीज। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भागवत स्वरूप अपनी आत्मा को जाने, परमात्मा को पहचाने, परम आनंद की अवस्था को जाने। अच्छा, ओशो हमेशा, ओशो का हमेशा कहना रहा है कि ओपन माइंड रखो और किसी की परवाह किए बगैर जैसा चाहो अपने आप में वैसा जियो। तो आज के इस संसार में गृहस्थ में रहकर वैसे जीना संभव है? बिल्कुल संभव है। उसमें दोनों बातें सम्मिलित हैं। ओशो सिर्फ एक बात नहीं कह रहे कि स्वतंत्रता, दूसरी बात को भी उतना ही जोर देते हैं, वो है प्रेम। प्रेम का अर्थ हम दूसरे की भावना की भी कद्र करेंगे, उसके विचारों का भी ख्याल रखेंगे, उसके जीवन की भी परवाह करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की अंतःकरण से जो आवाज़ आती है वह तो नंबर एक होनी चाहिए और नंबर दो पर होने चाहिए जिनके बीच हम रह रहे हैं, घर गृहस्थी, परिवार, अन्य संबंधी लोग, ऑफिस जहां हम काम करते हैं, उन सबके प्रति प्रेमपूर्ण। उनको हम कहीं से चोट ना पहुंचाएं, कम से कम जानबूझकर तो नहीं। हम अवश्य अपने ढंग से अपना जीवन जिए किंतु उससे किसी को चोट ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखें, उसका नाम है प्रेम। तो वो सब दो बातों को मूल्य देते हैं, प्रेम और स्वतंत्रता, लव एंड फ्रीडम। अगर हमने केवल एक बात को चुना तो वो आधी बात हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो ओशो को प्रेम के साथ जोड़ लेते हैं, फिर स्वतंत्रता कुर्बान हो जाएगी। और अगर हम विद्रोही हो गए और स्वतंत्र हो गए, सिर्फ अपने ढंग से जिए, दूसरों की परवाह नहीं की, तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जीवन इन दोनों के संतुलन में है, तभी एक सुंदर आप जीवन। ये कहना चाहते हैं कि ओशो ये कहते थे कि मतलब गृहस्थ से भागने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन साथ में रहते हुए अपने आप को स्वतंत्र रखो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक यही बात। लेकिन समाज में ये भी तो देखने को मिलता है ना, जैसे कि जो आप सन्यासी जो बनते हैं ओशो की, वो धीरे धीरे अपने परिवार से और से दूर होते हुए भी तो नजर आते हैं। नहीं, ऐसा तो सच्चाई नहीं है। मैं तो जितने लोगों को भी जानता हूँ, अधिकतम लोग अपने घर परिवार में ही रह रहे हैं। हाँ, एक्सेप्शन जरूर संभव है, अपवाद स्वरूप संभव है। कुछ लोगों का इंट्रिंसिक नेचर, उनका स्वधर्म ही ऐसा हो अकेले रहने का, तो ओशो फिर उसकी मना भी नहीं करते, है ना। कोई गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति हो और परिवार छोड़ के जाना चाहे, कोई महावीर जैसा व्यक्ति हो और राजमहल त्यागना चाहे, तो ये उसका स्वधर्म, उसकी अंतः प्रेरणा से ऐसा आया है, उसके लिए ऐसा ही करना उचित है। तो अगर किसी के भीतर से ऐसा आता है तो बिल्कुल ठीक। अच्छा गुरुदेव, जैसे कबीर कहते थे, पोथी पढ़ पढ़ पंडित न भया कोई। जी, लेकिन दूसरी तरफ इच्छा ही आविष्कार की जननी है और शिक्षा और अध्ययन आविष्कार के लिए बहुत जरूरी भी है। तो ये जो उनकी कही हुई बात है, आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सही है? अगर हम पंडित शब्द के दो अलग अलग अर्थ लें तो स्पष्ट हो जाएगा। एक तो पंडित है बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस इत्यादि सीखते हैं। यह हमारी आजीविका कमाने के काम आएगा, जगत में जीने के काम आएगा। हम वैज्ञानिक ढंग के विचारक हो सकेंगे, आविष्कारक हो सकेंगे। यह एक अलग प्रकार का पांडित्य है। और कबीर साहब जिस पंडित शब्द का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान से उनका मतलब है। तो साधारण रूप से तो हम एक ही शब्द उपयोग कर लेते हैं ज्ञानी, दोनों के लिए, जबकि दो अलग अलग अर्थ हैं। एक है बहिर्ज्ञान, जो किताबों से, स्कूल से, कॉलेज से हमें प्राप्त होता है, सोच विचार चिंतन मनन से प्राप्त होता है, और दूसरा है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उसका किताबों से कोई लेना देना नहीं, वह तो जो प्रेम में पक गया उसे उपलब्ध होता है। कबीर साहब के पंक्ति जो आपने उद्धृत की, उसके दूसरी लाइन है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ दूसरे पंडित की बात हो रही है, अंतर्ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की। तो अच्छा, आपने कहीं कहा है कि हम बहिर्मुखी, आउटवर्ड ध्यान करते हैं, जबकि हमें अंतर्मुखी, इनवर्ड ध्यान करना चाहिए। तो क्या बहिर्मुखी ध्यान जरूरी है ही नहीं? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। 24 घंटे में से एक घंटा कम से कम निकाल लें अपने भीतर ध्यानस्थ होने के लिए, आत्मरमण के लिए। 23 घंटे तो हमें समाज में जीना होगा, परिवार में जीना होगा, काम धाम करने होंगे, अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। तो बहिर्मुखी हमारी चेतना होगी, हमारा ध्यान बाहर ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन कम से कम एक घंटा तो ऐसा निकाल लें जब सब्जेक्टिव अटेंशन, जिसको हम कहें मेडिटेशन, ध्यान में डूबना, उसमें डूबें। तो ध्यान और ध्यान के दो रूप हो गए, एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी, एक दूसरों से संबंधित, एक स्वयं से संबंधित। शॉर्ट में हम कर लें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अभी आपने जो कहा कि 23 घंटे तो हमें जीवन जीना ही है, एक घंटा अपने लिए निकाल लें, तो अगर मैथमेटिकली बात करें
तो 23 घंटा जो है एक घंटे के ऊपर हावी रहता है, तो ये संभव हो पाता है? जिंदगी मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए संभव हो पाता है। वो जो एक घंटा है जिसमें हम शांत होंगे, अपने हृदय के तल पे, भावनाओं के तल पे होंगे, हमारे भीतर प्रेम, करुणा, दया इत्यादि सद्भाव विकसित होंगे, भाईचारा विकसित होगा, उसका प्रभाव बाकी के 23 घंटों पर क्रमशः धीरे धीरे फैलने लगेगा। अगर मैं एक घंटे शांत रहा, फिर मैं समझो अपने ऑफिस पहुंचा और वहां किसी ने मुझे अपमानजनक बात कह दी, तो शायद आज मैं प्रभावित ना हो क्योंकि मैं शांत भाव मुद्रा में आया था। हो सकता है अगर मैं अशांत होता, बेचैन होता, तो मैं रिएक्शन करता, प्रतिक्रिया स्वरूप मैं भी क्रोध से भर जाता, आग बबूला हो जाता और तब हमारा झगड़ा हो जाता। लेकिन वो जो एक घंटे में शांत होकर आया हूँ, प्रसन्न मुद्रा में आया हूँ, हो सकता है वह अपमान मुझे हास्यास्पद लगे, मैं हंस के उस बात को टाल जाऊं और कुछ भी उसका असर ना हो, तो हम पाएंगे धीरे धीरे कि वो एक घंटा हमारे बाकी के 23 घंटों पे छाने लगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन है, उसमें आनंद है, उसमें शांति है, उसमें प्रफुल्लता है। और कोई भी व्यक्ति प्रफुल्लित होना चाहता है। बाकी के 23 घंटे हमारे तनाव से भरे हैं, क्रोध कलह से भरे हैं, अहंकार और संघर्ष और प्रतियोगिता से भरे हैं। अंततः हम पाएंगे आनंद जीतने लगा, शांति जीतने लगी। तो मैथमेटिकली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रतिस्पर्धा आज के जमाने का एक अभिन्न अंग हो चुका है, तो इसके बिना आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? प्रतिस्पर्धा जब हम कहते हैं, हमारा तात्पर्य होता है दूसरों के साथ तुलना करना, उनसे कंपैरिजन करना और उनसे आगे बढ़ने का ख्याल। यह तो निश्चित ही दुख में ले जाएगा, इसका और कुछ परिणाम हो ही नहीं सकता। हम तनाव में होंगे, हम दुखी होंगे, हम दूसरे की नकल करेंगे, हम अपने स्वधर्म से च्युत हो जाएंगे, हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जो हमारी मंजिल ही ना थी, हम दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं, उससे आगे निकलने की दौड़ में हैं। दूसरी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जिसको मैं प्रतिस्पर्धा कहना पसंद नहीं करूंगा, वो है स्वयं से आगे निकलने की कोशिश। कल मैं जहां था, आज मैं उससे बेहतर हो सकूं, चाहे वो मेरी शांति हो, चाहे मेरा आनंद हो, चाहे ध्यान हो, चाहे मेरी कोई कला हो, चाहे मेरा काम धाम, मेरा कार्यकाज इत्यादि, उसमें मेरी कुशलता हो, तो कल तक जितना कुशल था आज मेरा उससे बेहतर हो। दूसरे से तुलना नहीं है, लेकिन अपने अतीत से तुलना है और अपने अतीत से मुझे आगे बढ़ना है, तो यह भी मुझे आगे ले जाएगा, लेकिन इसका आगे ले जाना आनंदपूर्ण होगा, शांतिदायी होगा और इसमें कोई भी अहंकार नहीं होगा। अच्छा गुरुदेव, जैसे ध्यान जो है और मधुर संगीत, इन दोनों का आपस में कोई संबंध है या ध्यान के लिए साइलेंस ही जरूरी है? मधुर संगीत का बहुत उपयोग किया जा सकता है, अंततः तो ध्यान में परम साइलेंस, परम मौन घटित हो जाएगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा उस परम मौन में, कंप्लीट साइलेंस में भी एक अत्यंत सूक्ष्म संगीत गूंजता है, जिसको संतों ने ओंकार की ध्वनि कहा है, अनाहत नाथ कहा है, सूफी जिसको अनहत पुकारते हैं, हजरत मोहम्मद जिसको सदाए आसमानी कहते हैं, वह गूंज वहां सुनी जाती है। तो ध्यान में संगीत सुना जाता है और इसलिए संगीत ध्यान की तरफ ले जाने वाला हो सकता है, लेकिन संगीत संगीत के अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं। आजकल जो आधुनिक पश्चिमी संगीत प्रचलित हो रहा है वह ध्यान में ले जाने वाला नहीं, वह तो ध्यान से बाहर खींचने वाला, बहुत बहिर्मुखी करने वाला है। लेकिन पूरब में जिस प्रकार के शास्त्रीय संगीत डेवलप हुए हैं, जिस प्रकार के वाद्ययंत्र अतीत में संतों ने बनाए हैं, वे सब ध्यान में डुबाने वाले हैं। तो संगीत का बहुत ही सदुपयोग किया जा सकता है और हमारे सद्गुरु ओशो ने बहुत उपयोग किया है। हमारा आश्रम संगीत से ओतप्रोत रहता है, क्योंकि अंततः भी हमें परमात्मा का संगीत ओंकार सुनना है। अच्छा गुरुदेव, जैसे इंसान अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता है, हजारों वर्षों से ये चीज चली आ रही है, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को बदलो, सारी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी, तो ये कैसे हो सकता है? स्वभाव और आदत में भेद समझ लें। आदत हमने सीखी है दूसरों से, पैदाइशी हम लेके नहीं आए थे, और स्वभाव जो है हमारा स्वधर्म, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं, वो हम जन्मजात लेकर ही आए हैं, तो उसमें तो कोई परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन आदतों में परिवर्तन संभव है। आदतें एक विशेष परिस्थिति में डेवलप हुई हैं, एक खास प्रकार की शिक्षा दीक्षा के कारण विकसित हुई हैं, उनको हम बदल भी सकते हैं। वो हमारे अंतरात्मा से नहीं आती, वो हमारे मन का हिस्सा है और मन को रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और दूसरी बात आपने कही, अगर हम स्वयं को बदल लेंगे तो जगत को बदल सकते हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम दूसरे को बदलने से शुरुआत करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से हिंसा
आ जाती है, दूसरे को बदलना एक प्रकार की वायलेंस है, उसके निजी क्षेत्र में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं जो कि उचित नहीं। मैं अपने आप को बदलने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन किसी और को मैं फोर्स करूँ, अपने विचार उस पर थोपूँ, यह तो अनुचित है, यह तो हिंसात्मक है। लेकिन जब मैं अपने आप को बदलता हूँ और अगर मैंने एक ज़्यादा सुखद और आनंददायी अवस्था पाली, शांति स्थिति पाली, निश्चित रूप से मेरे आसपास के लोग भी बदलेंगे। अच्छा गुरुदेव, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दर्शक वृंद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, ई मध्य कुन मोबाइल फोन को प्रकार हो? ऑप्शन ए कुल फोन, ऑप्शन बी इंटरकॉम, ऑप्शन सी स्मार्टफोन र ऑप्शन डी डिक्टाफोन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तरकारी रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ग्रीन लाइन को राइस कुकर प्रत्येक हप्ता एक थान एक जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्ता मा एक जनालाई। प्रत्येक महीना सीजी को मिक्सर ग्राइंडर एक जनालाई। विजेता को नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव मा घोषणा गरिने छ। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं ओशो शैलेंद्र जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। ओशो का कहना था, संभोग भी समाधि तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन संभोग तो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां नित्य नए अनुभव होते हैं और लाख चाहने पर भी वो अनुभव पुनः नहीं हो पाता, जबकि समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए एक ही अनुभव को बार बार करना पड़ता है। तो फिर संभोग से समाधि कैसे संभव है? पहली बात तो ये समझ लें, ओशो जब कह रहे हैं संभोग से समाधि की ओर, टूवर्ड्स समाधि, ये नहीं कह रहे हैं कि संभोग ही समाधि हो जाएगा, लेकिन वहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। कई लोगों ने इसका गलत अर्थ समझा है, जैसे अगर कोई कहे गरीबी से अमीरी की ओर, इसका क्या मतलब हुआ? वह गरीबी के खिलाफ है और अमीरी के पक्ष में है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मेरी शिक्षा जो है वह बीमारी से स्वास्थ्य की ओर ले जाने वाली है, मेरा ट्रीटमेंट तुम्हें स्वस्थ कर देगा, तो वो बीमारी के खिलाफ है, स्वास्थ्य के पक्ष में है। लेकिन ओशो की किताब का इस शीर्षक का बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है, ये संभोग से समाधि की ओर में अगर कोई ठीक ठीक समझे और प्रयोग करेगा, क्रमशः वह संभोग की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएगा, उसे ब्रह्मचर्य फलित हो जाएगा और समाधि की परम अवस्था में वह डूब जाएगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि यह विधि, ध्यान की विधि, भगवान शंकर से चली आ रही है। सबसे पुराना ग्रंथ है आदि सदगुरु भगवान शिव का, जिसमें उन्होंने देवी पार्वती को ध्यान की विधियां बताई हैं, उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। सदगुरु ओशो ने इसके ऊपर विशद व्याख्या दी है, लगभग 150 घंटे के प्रवचन दिए हैं। इस विज्ञान भैरव तंत्र में ये विधि आती है जो भगवान शिव ने देवी पार्वती से कही, कि किस प्रकार संभोग में डूबा जाए कि वह समाधि की तरफ ले जाने वाला हो जाए, काम वासना से मुक्त करने वाला, काम से राम की ओर ले जाने वाला। तो यह ओशो की निजी खोज नहीं है, यह कम से कम 5000 साल पहले यह बात खोज ली गई थी और इसके पश्चात भारत में तांत्रिकों की गहन साधना चलती रही हजारों साल से। भगवान बुद्ध के बाद भी उनके धर्म में भी तांत्रिकों का एक अलग वर्ग हो गया जिन्होंने तंत्र साधना की। अजंता और एलोरा की गुफाएं, कोणार्क के मंदिर, खजुराहो के मंदिर प्रमाण है कि यह तांत्रिक साधना मध्ययुग में बहुत बहुत प्रचलित रही है। तो लेकिन संभोग से समाधि की ओर किताब के शीर्षक की वजह से लोगों ने इस बात को ओशो से जोड़ लिया, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। भगवान शिव की उस ग्रंथ में 112 ध्यान की विधियां हैं, उसमें से 112 में से केवल 3 ध्यान विधियां संभोग से संबंधित हैं। सदगुरु ओशो ने उन 112 विधियों की बड़े विस्तार से व्याख्या की है, लोग बाकी की 109 विधियों को तो भूल गए, ये 3 विधियों वाली बात याद रही। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो रही है, उसको मैं दूर करना चाहूँगा। अच्छा, जितना हमने देखा सुना है ओशो पद्धति में मौज में जीने को सिखाया जाता है,
मुख्य रूप से सिखाया जाता है। आखिर ये मौज है क्या और किसे कहते हैं मौज? अगर परमात्मा को हम परम आनंद कहते हैं तो मौज उसका छोटा आनंद समझ लीजिए। अभी थोड़े दिनों बाद दिल्ली में मेरा एक सत्संग आयोजित है जिसका टॉपिक मैंने रखा है कि आप बिना त्याग तपस्या के परमात्मा से मिलन संभव है, और उसमें मैं यही बात कहने जा रहा हूँ जो आपने सवाल उठाया है कि हम प्रसन्नता पूर्वक जीते हुए अपनी मौज में मस्ती में आनंद में जीते हुए परमानंद की तरफ जा सकते हैं। अगर परमात्मा परम आनंद है तो उसको पाने का पहला कदम दुखपूर्ण कैसे हो सकता है? त्याग और तपस्या का मतलब है दुख, आयोजित दुख, हम खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं, अपने आप को सता रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, काया क्लेश कर रहे हैं। अगर वह आनंद है तो उसे पाने का पहला कदम भी आनंद ही होगा, चलो छोटा आनंद ही सही। तो हम जिसको मौज मस्ती कहते हैं वो आनंद का छोटा रूप है, और जिसको हम परमात्मा परमानंद सच्चिदानंद कहते हैं वह मौज मस्ती का बहुत बड़ा रूप है, विराट रूप है। तो एक चीज ऐसे भी है ना, जैसे युवा पीढ़ी दुर्व्यसन, उसको भी तो वो लोग, या समझ लीजिए मदिरापान, उसको भी तो वो लोग अपनी मौज मस्ती ही कहते हैं। देखिए भाषा में जो शब्द है उनके कोई स्पेसिफिक अर्थ तो होते नहीं है ना, हम जो अर्थ उसमें डालने वही उसका अर्थ हो जाता है ना, कोई फिक्स मीनिंग तो नहीं होते, समय समय पे मीनिंग बदलते रहते हैं। आप जो कह रहे हैं वह बात भी सच है, एक पक्ष वह भी, कुछ लोग मौज का ये अर्थ लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कबीर मौज में जीने वाले व्यक्ति हैं, कि शेख फरीद और गुरु नानक देव की मीराबाई अपने मौज में जीती थी, वहाँ मौज का बिल्कुल दूसरा अर्थ हुआ। उन्होंने भी कोई खुमारी साधी है लेकिन वो अलग प्रकार की है। गुरु नानक कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये कोई और शराब है। कबीर साहब कहते हैं पीवत राम रस लगी खुमारी, तो वह भी मौज है। जितना ये आप गुरुओं के पास, बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, उसके समाधान चाहते हैं, आपके पास खुद कभी ऐसी उलझन पैदा नहीं होती जहां कि आपको लगता है कि अब हमें रास्ता नहीं दिख रहा? परम गुरु ओशो की कृपा से कुछ ऐसी दृष्टि खुल गई है कि अब समाधान ही समाधान दिखता है, समस्या कहीं दिखती नहीं। सच पूछो तो समाधि जो शब्द है, ध्यान का क्लाइमेक्स समाधि, वो समाधान शब्द से ही बना है। एक ऐसी अंतर्दृष्टि, एक ऐसी पेनिट्रेटिंग आई भीतर खुल जाती है कि हमें हर चीज में से रास्ता दिखाई देता है। दीवार नजर नहीं आती, दीवार में से द्वार दिखाई देता है। और मुझे अपने अतीत का भी याद है, जब ध्यान नहीं लगा था, समाधि नहीं लगी थी, द्वार में भी हमें दीवार नजर आती थी। अब दृष्टि पलट गई है ना, कहीं समस्या नहीं दिखाई देती। जैसे ही किसी इंसान का प्राण निकलता है तो उसका नाम तत्क्षण खो जाता है, वो लाश के रूप में पुकारा जाने लगता है। फिर लोग नाम के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि लोग मृत्यु को ख्याल में रख के नहीं जीते। लोग इस प्रकार से जी रहे हैं जैसे उनको सदा सदा उनको यही रहना है। सिर्फ नाम की ही बात क्यों कर रहे हैं, धन को ले लें। लोग ऐसा धन बटोरने में लगे हुए हैं, बुढ़ापा आ गया, चलते फिरते नहीं बन रहा, फिर भी दुकान पर बैठे हैं, दुकान नहीं छोड़ने थे यार, अभी भी पैसा कमाना है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद फिर से कुछ उन्होंने जॉब, फिर अपने आप को ऑक्यूपाई रखे हुए, बिजी रखे हुए हैं, फुर्सत में नहीं बैठ सकते। मौत का ख्याल ही नहीं कि हमको एक दिन मर जाना है, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, एक पीढ़ी के लिए नहीं, दो तीन पीढ़ी के लिए पर्याप्त है, अब कोई जरूरत नहीं है कमाने की, लेकिन फिर भी धन के पीछे पागल हैं। इसी प्रकार नाम के पीछे पागल हैं, इज्जत और प्रतिष्ठा पाने के लिए पागल हैं, पद के पीछे पागल हैं। दुनिया के अधिकांश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनका एक पैर कब्र में लटका हुआ है, लेकिन उन भर को नहीं दिखाई दे रहा, और सबको दिखाई दे रहा कि आदमी कैसा पागल है, इसके मरने के दिन आ गए, लेकिन देश प्रशासन करने की वो सोच रहा है। लोग इस प्रकार से जी रहे हैं, करीब करीब मौत के प्रति अंधे हो गए। जैसे आपने कलर ब्लाइंड शब्द सुना होगा ना, कुछ लोगों को एक खास रंग नहीं दिखाई देता, ऐसे ही मेरे हिसाब से 99.9% लोग डेथ ब्लाइंड हैं। मरने के एक क्षण पहले तक उनको नहीं पता होता कि वो मरने वाले हैं। मैं तो स्वयं डॉक्टर हूँ और हजारों हजारों उन रोगियों के संपर्क में रहा जो टर्मिनल इलनेस से पीड़ित हैं, वो दो चार दिन में समाप्त होने वाले हैं, लेकिन वो इस तथ्य को झुटला के जी रहे हैं। वो तो ऐसा प्लान बना रहे हैं जैसे और पता नहीं अभी उनको क्या क्या करना है। यही कारण है हम डेथ ब्लाइंड हैं, हम मृत्यु को देखना ही नहीं चाहते। अगर मृत्यु दिख जाए तो व्यक्ति के जीवन में ध्यान का धर्म का अवतरण हो जाता है। अच्छा गुरुदेव, हम एक फिर से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएं। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयां बार बार दिन ये आए,
बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदार जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है जन शुभकामना देनो चाहो हो, उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सके। कि एक तो जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है उसको कैसे ये शुरू होती है, इसका अर्ली साइंस ये है कि कई पेशेंट को तो रात को ज़्यादा बारी यूरिन करने पड़ता है। अगर वो किसी को हुआ, हम इसको नक्चूरिया कहते हैं, बार बार रात को पेशाब करने पड़ा, तो फिर ये सोचना चाहिए उसको इधर किडनी अर्ली फेलियर है कि प्रोस्टेट एनलार्ज है। वो जो एल्डरली लोगों को होती है वो भी किडनी फेलियर करता है, प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा, कोई पैर में सूजन शुरू हुआ, ये जो एंकल है, एंकल के हड्डी के ऊपर, वो अगर हो रहा है तो मैं कहूँगा किडनी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। कोई किसी को फैमिली में अगर स्टोन है तो वो सब 3-3.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जब ये बढ़ के एडवांस स्टेज को जाएगा उसे लाखों रुपया खर्च होगा, और फिर गॉड फॉरबिड अगर रिजेक्शन हुआ फिर सेकंड ट्रांसप्लांट का और लाखों रुपया खर्च होगा, 3-5 लाख बचने के लिए आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसको जैसे मैंने कहा कि कैसे अपना बॉडी वेट कंट्रोल करे, डायबिटीज कंट्रोल करे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, स्मोकिंग मत करें, और कई टॉक्सिक दवा होते हैं नेफ्रोलॉजी पूछ के वो नहीं खाना है, और बाकी प्रोटीन यूरिन में लीक हुआ तो उसका इलाज करें। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek and my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं ओशो शैलेंद्र जी से, आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। तनाव मुक्त रहने का सबसे आसान सरल उपाय क्या है? एक शब्द में कह दूं, वो है जीवन जैसा है उसका वैसा स्वीकार, एक्सेप्टिंग द लाइफ एज इट इज, सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं। और इंसान की मूल संपत्ति क्या है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाए? वह है उसकी स्वयं की चेतना, अपनी स्वयं की आत्मा। ओशो का एक वचन मुझे अत्यंत प्रीतिकर है, मैं बार बार उसको कोट करता हूँ। ओशो कहते हैं, धन्य है वे जो स्वयं को खोजते, स्वयं को पाते और स्वयं हो जाते। वह हमारी आत्मा है, हम उसी के संग जन्मे, वही हम हैं। यह देह तो हमने धारण की, यह मन शिक्षा और समाज ने हमको दिया, यह हमारा नहीं है, ये यहीं छूट जाएंगे, तन भी और मन भी दोनों राख हो जाएंगे। हमारे संग जो जाएगी वो केवल हमारी चेतना है, वही हमारी असली संपदा है। अच्छा, बहुत से लोगों का एक कहना रहता है कि मानव जीवन हमें एक बार मिला है, फिर पुनर्जन्म किसने देखा है, कब होगा, क्या होगा। तो आज के इस जीवन में मौज में जियो या मस्त होके जियो, पाप पुण्य सभी हमी ने यही बनाए हुए पिए सब बातें हैं, आप क्या कहते हैं? जैसे मैंने पहले कहा था, मृत्यु को देखना नहीं चाहता, इसलिए वो एम्फेसिस जीवन पे कर रहा है कि यही जीवन सब कुछ है, मौत के बाद किसने देखा। इसलिए अभी धन कमा लो, पैसा बटोर लो, शराब पी लो, स्त्री सुख ले लो, मकान बना लो, कार खरीद लो, यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उनकी बात तो निश्चित रूप से गलत है, मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। हम ओषधारा में एक कार्यक्रम कराते हैं 3 दिन का, जिसका नाम है महाजीवन प्रज्ञा। इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, और करीब करीब 70% लोगों को अपने पिछले जन्म याद आ जाते हैं। तो अब तक करीब करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोग महाजीवन प्रज्ञा अटेंड कर चुके हैं, और उनके अनुभव के आधार पर, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ, हमारे सद्गुरु ओशो ने स्वयं अपना पिछला जन्म जाना है। आपने पढ़ा होगा उनकी बायोग्राफी में, 700 वर्ष पहले उनका पिछला जन्म था। तो हर व्यक्ति, मनुष्य, अधिकांश मनुष्य पुनः मनुष्य ही बनेंगे दोबारा,
99.999% हम बार बार मनुष्य ही बनेंगे, इससे ज़्यादा विकसित होकर जब तक हमें बुद्धत्व हासिल ना हो जाए, परम समाधि ना मिल जाए, सब जिसको निर्बीज समाधि महर्षि पतंजलि कहते हैं, तब तक हम मनुष्य योनि में ही आएंगे। तो यह बात सरासर गलत है कि यही जीवन सब कुछ, इसके बाद किसने देखा? देखने वाली आंखें होंगी तो दिखेगा, पिछला भी दिख जाएगा, अगला भी दिख जाएगा। इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहा जाता है आज की विज्ञान की भाषा में, और फ्यूचर लाइफ प्रोजेक्शन भी संभव है। वो कठिन है लेकिन वो भी संभव है। गुरुदेव, जैसे सुख दुख जीवन के दो पहिए हैं, लेकिन दुख या संकट के समय धैर्य डगमगाता है और शांति भंग होती है। और आप लोग कहते हो धैर्यशील इंसान को ही परम शांति मिल सकती है, तो इसका तालमेल कैसे बैठाया जाए? एक छोटी सी कहानी आपसे कहता हूं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि कोई मुझे एक ऐसा वचन लिख के दे दे, ऐसी बात कहे, जब मैं सुखी हूं तो मैं दुखी हो जाऊं और जब दुखी हूं तो सुखी हो जाऊं। सब लोग बड़े चिंतन मनन में पड़ गए, ऐसी बात क्या हो सकती है कि सुखी आदमी को दुखी कर दे और दुखी आदमी को सुखी कर दे। फिर बीरबल को सूझी, उसने कहा कि महाराज एक वचन आपसे कहता हूं, इसको याद रखिएगा, जो आपने कहा था वैसा हो जाएगा, बस इतना याद रखिए यह भी बीत जाएगा, दिस टू विल पास। जब सुख में हो तो याद रखना यह भी गुजर जाएगा, और दुख आए तब भी याद रखना यह भी गुजर जाएगा, तो अनंत धैर्य उपलब्ध हो जाएगा। फिर जल्दी किस बात की, ये बादल हैं आकाश में छा गए, थोड़ी देर पहले नहीं थे, थोड़ी देर बाद फिर विदा हो जाएंगे, फिर सारा उतावलापन नष्ट हो जाएगा, अधैर्य खत्म हो जाएगा, और बहुत डीप पेशेंस, अद्भुत धैर्य जन्मेगा, और उस धैर्य में शांति है। ऐसा धैर्यवान व्यक्ति ही ध्यान की साधना कर सकता है, जो सुख दुख में उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड हो गया, वो फिर शांत नहीं हो पाता। सुख की जो हम बात करते हैं, ये क्या पूर्व जन्म का पुण्य का फल है? ये हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इसमें बहुत सारी चीजें मिश्रित हैं। कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, कुछ इस जन्म के पिछले जन्मों कर्मों का परिणाम, इसी जन्म में जो पिछले कर्म हुए हैं, आपने कल किसी से झगड़ा किया था, उसका अपमान कर दिया था, हो सकता है वह व्यक्ति उस समय बदला नहीं ले पाए लेकिन वो इंतजार कर रहा है, हो सकता है आज वो कुछ ऐसा करे कि आपको तकलीफ दे, कष्ट पहुंचाए, ये इसी जन्म के कर्म का परिणाम है। कुछ पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं जो हमें भुगतने अभी ड्यू हैं, वो पेंडिंग है मामला, वो कर्मों का अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है। कुछ हमारे वर्तमान के कर्मों का फल है जो हमने अभी किए हैं, और कुछ प्रकृति के द्वारा घट रही घटनाएं हैं। तो कुल मिला के इन चारों का जो सम्मिलित प्रभाव है उससे हमारा वर्तमान और भविष्य निर्धारित होता है। तो हमारे सुख दुख इन चार बातों पर निर्भर हैं, इस जन्म का पिछले कर्म, पिछले जन्मों के हमारे कर्म, प्रकृति के द्वारा घट रही घटनाएं, और वर्तमान में अन्य लोगों द्वारा किए जा रहे कर्म। हम अकेले थोड़ी हैं, हम एक संयुक्त ह्यूमैनिटी के हिस्से हैं। तो जरूरी नहीं कि मेरे करने का फल ही मुझे भोगना पड़े। हम यहाँ बातचीत करने आए हैं आपके टेलीविजन ऑफिस में, और हो सकता कोई आतंकवादी योजना बना रहा हो कि कहीं बम पटकना है, उसको तो भय फैलाना है, उसको इससे मतलब नहीं कहाँ बम फोड़े, हो सकता है यहीं बम फोड़ दे और हम नष्ट हो जाएं। ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये उस व्यक्ति का कर्म का फल है। लेकिन पूरी मनुष्य जाति आपस में जुड़ी हुई है, हम पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सम्मिलित प्रभाव हम सबके वर्तमान को और भविष्य को प्रभावित करेगा, वो फल भी हमें भोगना पड़ेंगे। तो इस प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ घटता है वो इन चार पांच चीजों का मिला जुला रूप है। अच्छा गुरुदेव, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, अगर चाहते हैं शांत होना, आनंदित होना, प्रफुल्लित होना, प्रेमपूर्ण संबंधों में जीना, तो आपका स्वागत है ओशोधारा में। हमारे 6 दिन का कार्यक्रम होता है जिसका नाम है ध्यान समाधि। यहाँ काठमांडू में भी वह कार्यक्रम चलता है, भारत में भी कई जगह चलता है, नेपाल में चितवन में एक और जगह है जहाँ यह कार्यक्रम चलता है। उस कार्यक्रम को अटेंड करें और शांत होने की, धैर्यपूर्ण होने की, ध्यानस्थ होने की कला सीखें, समाधिस्थ होने की कला सीखें। गुरुदेव, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था ओशो शैलेंद्र जी से, इना की बातचीत आप लोग सुनिया, और ये जो बाता बताया है इन बाता पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार।
गत हप्ता सोधिएको प्रश्न दोस्रो संविधान सभा कति सदस्यको हुनेछ अप्सन ए 240 अप्सन बी 335 अप्सन सी 601 र अप्सन डी 575 यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 601 दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9814231423 9812044443 9847414 9141349626 9141712285 तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनु भएको छ 9551848860 9510186551 ग्रीन लाइनको राइस कुकर पाउन सफल हुनु भएको छ 9510014 98 बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला मोबाइल नम्बर 9849923804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्ये कुन मोबाइल फोनको प्रकार हो अप्सन ए कुल फोन अप्सन बी इन्टरकम अप्सन सी स्मार्टफोन र अप्सन डी डिक्टाफोन दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् आजको लिए यो कार्यक्रम इतनो ही अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा तब तक के लिए मन भी इजाजत दियो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल @himalayatv.com पर और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आप लोग फेसबुक पेज में जाकर के अपनो नेपाल पेज मैं सारी जानकारी ले सको हो और पुराना अगर एपिसोड देखना हो है, तो YouTube में लॉग ऑन कर सको हो और ट्विटर में भी माने फॉलो कर सको हो नमस्कार